इस रसमयी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जहां पे रस के सिवा कुछ ना हो, जिस नदी में पानी होता है उसी नदी में लोग डुबकी लगाने के लिए, जो पानी है वही रस का स्वरूप है। जब हम अपने आप को भिगोना चाहते हैं, जब हम अपने आप को डुबाना चाहते हैं, जब अपने आत्मा को तृप्त करना चाहते हैं, जब अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, जब उस परमानंद विग्रह के संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हम इस रसमयी गंगा में गोता लगाते हैं। जहां पे भगवान के मुख से निसृत ये गंगा, शब्द रूपी गंगा जो प्रवाहित हो रही है, क्योंकि संसार में दो प्रकार की गंगा पाई जाती है। एक द्रव रूपी गंगा पाई जाती है और एक शब्द रूपी गंगा पाई जाती है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जो द्रव रूपी गंगा है वो भगवान के चरणों से निकली है, जो द्रव रूपी गंगा है वो भगवान के चरणों से निकली है, लेकिन जो शब्द रूपी गंगा है वो भगवान के मुख से निसरी है, वो भगवान के मुख से निसरी है। जो भगवान के चरणों से गंगा निकली है, उनमें जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। कहीं यदि हम गहरे जल में चले गए तो वहां डूबने की संभावना बनी रहती है, सदैव डूबने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब हम शब्द रूपी गंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की रसमयी गंगा में जब गोता लगाने के लिए जब हम उतरते हैं, तो आप जितना अंदर जाओगे, आप जितना डूबोगे, उतना ही रस में डूब करके मस्त हो जाओगे। यहां कोई डूबने का चांस नहीं है, यहां पर तो डूबने से आत्म तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। ये भगवान की रसमयी गंगा है, भगवान की रसमयी गंगा है। भगवान ने अपने मुख से निसृत किया इस गंगा को, और संत महात्मा इस गंगा को कानों से पी कर करके, अपने हृदय में धारण करके और अपने मुख से इसको प्रवाहित करते हैं। ये वो गंगा है जिस गंगा में सनकादि, नारद, भृगु आदि ऋषि डुबकी लगाते हैं, ये वो गंगा है।